केंद्र सरकार ने कोरोना को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। राज्य कर सकेंगे आपदा कोष का इस्तेमाल। मौत पर परिवार को 4 लाख की राहत। देश में बढ़ रहे कोरोना पीड़ित। दिल्ली में कोरोना से पहली मौत। आरएमएल अस्पताल में 68 साल की महिला की गई जान। कुल 2 लोगों की हो चुकी है मौत। मृत महिला की बेटी ने 5 से 22 फरवरी के बीच स्विट्जरलैंड और इटली का किया था दौरा। बेटे का भी इलाज जारी। कोरोना पीड़ित मृतक महिला का डॉक्टरों की निगरानी में निगमबोध घाट में हुआ अंतिम संस्कार। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना पीड़ित के अंतिम संस्कार पर हुए विवाद पर दिया बयान। मृत्यु के बाद किसी के शव से नहीं फैल सकता कोरोना। अंतिम संस्कार से कोई दिक्कत नहीं। भारत में कोरोना के कुल 85 पीड़ित। इलाज के बाद 10 की हालत सुधरी। अभी भी 73 लोगों के कोरोना पीड़ित होने की पुष्टि। महाराष्ट्र में 2 नए मामले आ गए हैं सामने। 13 राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद। कोरोना की वजह से बेंगलुरु में होने वाली संघ की बैठक स्थगित। बैठक में संघ प्रमुख और बीजेपी अध्यक्ष समेत करीब 1500 लोग लेने वाले थे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात से निपटने के लिए 7 देशों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का रखा प्रस्ताव। पाकिस्तान ने किया मंजूर। कोरोना के चलते भारत और साउथ अफ्रीका की सीरीज रद्द। दूसरे वनडे के लिए लखनऊ में तैयारियों में जुटी थी दोनों टीमें। दक्षिण अफ्रीका के साथ सीरीज को दोबारा आगे करने पर बीसीसीआई कर रही है विचार। क्रिकेट साउथ अफ्रीका के साथ बातचीत के बाद तारीखों का होगा ऐलान। 7 महीने बाद बेटे उमर से मिलकर भावुक हुए फारूक अब्दुल्ला। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी की मुलाकात। भोपाल एयरपोर्ट पर बवाल। आपस में भिड़ गए ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के समर्थक। कई जगहों पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा ज्योतिरादित्य पर जानलेवा हमला। जांच की मांग की। दिल्ली एनसीआर में मौसम का बदला मिजाज। मूसाधार बारिश के साथ जमकर बरसे ओले। दिल्ली में दिन में छाया अंधियारा। काले बादलों ने जमाया डेरा। घनघोर बारिश। साउथ दिल्ली में तेज बारिश से थमी गाड़ियों की रफ्तार।